देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पता नहीं कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। और अभी भी मुझे फिर कुछ ना कुछ घपला लग रहा है। हेलो हेलो, हाय, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? अरे जी, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी, सबसे पहला कमेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज कुछ वैसा भी लिखा हुआ नहीं आया जैसे हमेशा आता था कि ये क्लास आप अनअकैडमी पे ले रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। और उस पे लिखा रहता था आज स्पेशल टेस्ट है आपका। एक मैंने टेस्ट बनाया जिसकी पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप और इधर उधर शेयर की, बट बहुत लोगों को नहीं मिल पाया होगा। अगली बार से हम उसे टेलीग्राम में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के टेस्ट का पहला सवाल सलोनी जी आपके लिए ये रहा। इनकी साइट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ तो इश्यू है साइट में। मैं कलुआ वाम वेलकम करता हूँ। वेरी गुड कलुआ। देखिए, एक छोटा सा सवाल हमने लिया आपके लिए कि सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 17.5 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। ये कह रहा है 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए मैं दोस्त, आज आपको एक बात बता दूं कि जब हम किसी गोले को काटते हैं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। तो ऐसे जो ये कट लगता है, इस एक कट से दो सर्किल बनते हैं 2πr². क्या बनते हैं? इस कट से दो सर्किल बनते हैं 2πr², 2 × 22/7, और उसकी रेडियस कितनी है? 17.5 का आधा, तो 17.5 × 17.5/4। मैं जानता हूं कि जब 5 और 5 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत ये नहीं रोक सकती, मतलब संख्या 25 से जरूर कटेगी। संख्या किससे कटेगी? 25 से जरूर कटेगी। ये मैंने 2 से काट लिया, 2 से कितनी बार काटा? 11 से। अब यहाँ पे ना तो ये संख्या 25 से कट रही, ना ये दो संख्या 25 से कट रही है। मैं ये भी जानता हूँ पॉइंट अगर यहाँ यहाँ आ रहा है तो दो बार पॉइंट आएगा, यानी कि सी विल बी द आंसर। तो ये सवाल पेपर में आया, तो ऐसे आपको अप्रोच लगानी है, पूरा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। यही चीज सिखाने में आया हूँ आपको कि कैसे आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, कहाँ टाइम लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपके सामने है कि टू सर्किल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को पी और क्यू पे काटते हैं, बना लेते हैं दोनों वृत्त। देखिए अभी आपका रोज टेस्ट चलेगा। प्लस वाले बच्चों को बता दूं, मैंने उनके 9 टेस्ट रखे हैं, जो एक एक्सक्लूसिव बैच है जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा था, उसमें मैंने अब आपके 9 टेस्ट कर दिए हैं। पेपर से पहले 9 टेस्ट कराऊंगा और उनमें से बहुत बहुत सवाल एज इट इज फंसने की उम्मीद रहेगी। और आज से आठ जो है स्पेशल क्लास बची है जो सबके लिए, तो उनमें भी टेस्ट कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। तो वैसे तो 8 टेस्ट और बाकियों के लिए 17 टेस्ट हो जाएंगे पेपर से पहले। टू सर्किल्स एक दूसरे को पी और क्यू पे काटते हैं, जहां पे आप जानेंगे अप्रोच सवालों को सॉल्व करने की कि क्या होनी चाहिए। पी और क्यू, इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 30, कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो है वो 30 है, ये भी 30, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द सेंटर इज 40, ये डिस्टेंस 40 है, और द रेडियस पता नहीं है कितनी। देखिए सेम रेडियस के सर्किल हैं दोस्त, यानी कि ये आर है तो ये भी आर है, और ये मैं जानता हूं कि अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इक्वल पार्ट में बांटेगी, ये 15 है और ये आपने 40 दे दी, 40, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया हाफ आर स्क्वायर बराबर होगा हाफ 15 × 40। एरिया दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ से हाफ कट गया, आर कितना आ जाएगा दोस्त? 15 × 60, अंडर रूट का 600, यानी कि अंडर रूट 600 ही होगा ना, 15 × 60 600। मैंने कुछ गलत किया है तो बता दीजिए। सेंटर के बीच की दूरी इन्होंने कितनी दी है हमें? 40 दे रखी है, और लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड 30 है, यानी कि ये 15 हो जाएगा। अच्छा ये सॉरी सॉरी, मैंने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दी। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा,
जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा, ये मिस्टेक हमने कर दी तो, बट कोई बात नहीं। बट मुझे पता है अगर ये दोनों इक्वल सर्किल हैं तो ये इक्वल इक्वल पार्ट में इसको बांटेगी, यानी कि ये 20 होगा और ये भी 20 होगा, तो अब आपको आर निकालने में मुसीबत नहीं होगी। आर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3 3 9, 4 4 16, फिर ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25, फिर 5 बाहर आ जाएगा, 25 उत्तर आ जाएगा। हाँ पाइथागोरस नहीं भी लगाए, 15 20 है तो ये 25 डायरेक्ट ही आ जाएगा, मुझे लगा कि शायद। तरुण तिवारी सर आपके पेड वीडियो टेलीग्राम पे डाल देंगे, कोई बात नहीं यार पढ़ने दो सबको, अगर डाल देंगे पेट का कौन सा, मैं कोई माँ के पेट से ये सब सीख के आया था, जितना अच्छे है लोग सीख रहे हैं सारी चीजें अच्छी है, और फैलनी चाहिए टेलीग्राम से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से यहाँ वहां आना चाहिए, तो सब गणित है होता रहना चाहिए ये सब, कैसे नहीं तो लोगों तक चीजें पहुंचेंगी बताइए। देखें भाई, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, उधार दी गई राशि कितनी? देखिए मैंने मान लेते हैं 100 रुपये उधार दिए दोस्त, 5% की दर से 75 रुपये ब्याज मिलेगी मुझे, तो ब्याज की राशि इससे ये 25 कम है, आप खुद बताओ 25 कम है, सवाल में इसी को 250 बोल रहा है तो एक एक जीरो चुपका दी, 1000 उत्तर आ गया, मतलब कमाल का सवाल है यार। अगला सवाल देखिए, गुप्ता जी मैं तो यही कर रहा हूं अभी तक नेट नहीं चला। दो लघु व्रत एक दीर्घ व्रत को आंतरिक स्पर्श करते हैं तथा दीर्घ व्रत के केंद्र ओ से गुजरते हैं, यदि दीर्घ व्रत का व्यास 28 सेंटीमीटर है तथा दीर्घ व्रत का क्षेत्रफल क्या है जो दो लघु व्रतों द्वारा संलग्नित नहीं है। टू स्मॉलर सर्किल टच ए लार्ज सर्किल इंटरनली एंड पास थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द लार्जर सर्किल। देखिए दो व्रत है, बड़ा लल्लू सवाल है, ये इसके सेंटर से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं इसके, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल इज 28, तो आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये करना पड़ता है एरिया ऑफ द बिगर सर्किल जो छोटे सर्किल्स में नहीं है, तो देखिए कोई बात नहीं, जैसे आपको पता है कि यार ये आर है, आपको पता है कि ये आर है, आपको पता है ये आर है, ये इक्वल बोला ना इसने, दोनों इक्वल सर्किल बोला, टू स्मॉलर सर्किल का मतलब यही है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जानता हूं कि इसकी जो रेडियस है वो 2r है, तो 4πr² हो जाएगा एरिया और माइनस 2πr² उसमें से घट जाएगा, यानी ये कितना बचेगा 2π बोले तो 22/7 और r स्क्वायर कितना है, दीर्घ वृत्त का व्यास ये था तो 14 हो गया, ये r कितनी हो गई है जो छोटी वाली r है कितनी हो गई 7, 7 में बट गई, 7 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो 7 × 14 × 22, 14 × 280, 280 से उत्तर बड़ा आएगा तो एक ही उत्तर आएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का उत्तर बताना है, 5/4, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, अरे कोई बात नहीं किसी को ब्लॉक मत करो, जो हमारे पास आ रहा है हमारी वैल्यू बताने आ रहा है, समझ लो उसे हमें कितना इंटरेस्ट है, आप ये देखो ना दोस्त उसे हमें कितना इंटरेस्ट है जो वो यहां आ रहा है। मास पॉइंट थ्योरम कितनी बार बताइए, सिंपल सी, जैसे मैं मास पॉइंट में ही पता मैंने ये सवाल क्यों ले लिया, मैं ये बता रहा था जैसे 5 और 4 आ गया और जैसे ये 3 और 2 आ गया, तो 5 और 4 मिला के यहाँ 9 आता है बीच में, 3 और 2 मिला के यहाँ 5 आता है, यानी 9 × 5 = 45 आएगा, तो जो इसका और इसका सम आएगा वो भी 45 आएगा, तो मैं देख लेता हूँ यार 38 और 7 = 45 है, फिर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बीच में पता है ना, तो इसको बीच में फिर निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ये इसलिए बता दिया था कि कई बार कुछ भी और रेशियो हो तो अगर ऑप्शन में ये हो तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। फिर ये सवाल बताएंगे, क्या सरलीकृत रूप पूछ रहा है, क्या होगा sec की क्यूब x - tan की क्यूब x,
कुछ नहीं, इतना सिंपल सवाल हमने अपने जीवन में नहीं देखा। अगर हम एक्स को जीरो ले लें, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी एक्स नहीं है, तो ऊपर वन, नीचे वन, माइनस जीरो और माइनस जीरो, तो एक इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ऋतिक राज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जग्गा हमारे बहुत ही फेवरेट, बहुत ही अद्भुत किस्म के आदमी है। देखिए ये सवाल, जैसे आप याद होगा उस दिन जब हम सवाल कर रहे थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आजकल एसएससी कई बार ऐसा करता है कि एलजेब्रा के सवाल पकड़ के और आपसे पूछ लेता है उन्हें ट्रिग्नोमेट्री में डाल के। जैसे आप जानते हैं कि एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर एक हो, एक हो तो एक्स की क्यूब बराबर माइनस वन होता है, होता है। अब मैं ये कह रहा था कि कल को कोई आपसे ये सवाल पूछने लगे यार कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक है, तो कॉस की क्यूब थीटा बताओ क्या होगा, तो आप बता तो देंगे माइनस एक, बट ये गलत होगा। आप बता देंगे कॉस की क्यूब बराबर माइनस एक, बट ये सवाल गलत है, ट्रिग्नोमेट्री में ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद बताइए कॉस की क्यूब थीटा ट्रिग्नोमेट्री में माइनस वन तभी पॉसिबल है जब 180 हो, और 180 पे तो ये भी माइनस एक होगा, फिर ये भी माइनस एक होगा, तब तो ये दो एक आएगा ही नहीं कभी। तो ऐसे सवाल एसएससी बना दे रही है, बट ये गलत है। जैसे ये सवाल भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं ये जानता हूं मैं इस सवाल को कैसे लिख सकता हूँ, आपके सामने लिख के बता रहा हूँ। फोर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटे फोर, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर टू थीटा बटे फोर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम मान बताओ मुझे, तो आपका जवाब होगा जी इसका मैक्सिमम मान तो एक हो सकता है, तो एक बटे चार। अब जिस फंक्शन का मैक्सिमम मान ही एक बटे चार हो सकता है, तो क्या कभी उसके उत्तर माइनस है कि ये सब आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, बताओ। बड़े सवाल पूछा गया पेपर में, और निकलेगा भी उत्तर, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ भी आपको उत्तर। उन्होंने जिस इंटेंशन से पूछा है, आपने लिख दिया इसको साइन की घात 8 थीटा प्लस कॉस की घात 8 थीटा। अब आप इसको मान लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए 2 sin की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, दोनों तरफ जोड़ दीजिए 1 प्लस, इधर भी जोड़ दीजिए 2 sin की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप देखेंगे क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। एलजेब्रा का अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, बट साइन कॉस की अपनी लिमिटेशन है। अब बहुत से बच्चे ये भी जानते होंगे 1 - 2 sin² थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है का स्क्वायर बराबर 1 + 2। अब आप ऐसा करिए दोस्त, जो आपसे पूछा है ना, आप इसको ही एक्स ले लीजिए, एक्स तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 2x का स्क्वायर, तो 1 + 4x² - 4x बराबर 1 + 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो 1 से 1 कट गया भाई, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 2x² बराबर 4x आ गया, x से x कट गया, x कितना आ गया 2, यानी कि जो मैंने माना था ये 2 आ गया, और 2 बच्चा उत्तर लगा देता है। जबकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जिंदगी में भी कभी 2 आ ही नहीं सकता, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कभी जिंदगी में भी 2 नहीं आ सकता, समझ रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूं कि अब ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बट अब पेपर में सवाल आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ईद वाले भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं क्या? सर कबाब खा लो, आ जाओ ईद वाले भैया, कबाब खा रहे हो भाई साहब, सही है सही है, आप मजे ले रहे हो यार जिंदगी के। अच्छा इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा, कौरव वगैरह? देखिए ऐसे सवालों में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, कुछ नहीं करना है मैं आपको बता दूं।
आपको पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, तो इसकी भुजा कितनी होगी। अब कई बच्चे कहते हैं यार एक्स को जीरो मान लो, मैं मान सकता था एक्स को जीरो, बट एक्स को जीरो मानने पे इसकी जो भुजा दो आ रही है उन सबसे ही एरिया चार आ जाएगा, मुसीबत ये है, समझ रहे हैं, सबसे ही आ जाएगा। तो फिर हम क्या करें, फिर यार ऐसा करते हैं कि हम एक मान लेते हैं, और तो कोई हमारे पास चारा है नहीं भाई, हमने एक मान ली इसकी भुजा, तो ये आ गया 2401। मैंने बता दिया कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपको फायदा मिले इस चीज का जीरो मानने का भी, बट अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा। 196 + 4 = 200, ये आ गया जी 2601। कौन बच्चा बताएगा 2601 किसका स्क्वायर होता है? 51 का स्क्वायर होता है, 51 का। तो आप x को 1 रखेंगे तो सी ऑप्शन में 51 आ रहा है, सी ऑप्शन में 51 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। यार ये रिया त्रिपाठी आप पागल हो गए, ये कल परसों के पेपर सीडीएस में आया हुआ है, सेम लेवल है, सेम पैटर्न है, सीजीएल में आते हैं। तुम्हारे लिए सीजीएल के मैं 25 सवाल ढूंढ लाऊं बिल्कुल, कि ये 25 सवाल आ रहे हैं ये तो बताओ, बिल्कुल वही ले आता हूँ 25 जो आ रहे हैं। क्या करोगे तुम ज्यादा पढ़ के, वही 25 ले आता हूँ तुम्हारे लिए, वही 25 जीएस के ले आता हूँ, तब तो हो जाएगा ना सिलेक्शन। तो हाल करते हो ऐसे आते नहीं आते, मतलब तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। लगता पहले मैंने सही करा दिया था कमेंट बंद करा के ना, ये जो फालतू फालतू लोग कमेंट करते हैं, मैंने पहले सही कराया था। कंट्रोल उदय कंट्रोल, एक एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जहां एबीडीसी के समांतर है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ए बी सी डी, ए बी कितनी है 4, बी सी कितनी है 3, सी डी कितनी है 7, डी ए कितनी है 2। तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या है? सन्नी बागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ये लिख रहे हैं कि मैं पागल हूं। सनी ये बहुत ही गलत है बेटा, आप पागल हो तो आप इधर क्या कर रहे हो, हम आपको आगरा में व्यवस्था करवा देते हैं अभी, आप निकल जाओ वहां, क्यों आप यहाँ कर रहे हो काम, बताओ क्या मतलब है आपका। तो इसने कहा है कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बताओ जी। देखिए बड़ा मुश्किल है ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालना, ये बड़ा सबसे कठिन सवाल ये होता है जहां पे हम दिमाग नहीं लगा पाते कि भाई क्या करें क्या ना करें। मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो ये दूरी भी 4 होगी, अगर मैं इस दूरी को x मानता हूं तो ये 3 - x होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस h को निकालने के लिए गुरु, क्योंकि एरिया इसी से निकलेगा, आप ये कह सकते हो h स्क्वायर बराबर 4 - x² = 9 - x² - 6x। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 9 से कट गया भाई 9, एक्स आ गया 4/6 यानी 2/3 बस। अब अगर एक्स आ गया तो एच तो आसानी से निकल ही आएगी, एच कितनी होगी 4 - 4/9। तो एरिया कितना आ गया, अंडर रूट में एरिया कितना आ गया, 9 × 36 में से 4 गए 32, 32 का मतलब होता है 4√2/9। तो √2 वाला उत्तर आएगा जिसमें ऊपर √2 है और √3 तो कहीं है नहीं, तो एक ही में √2 है, बस यही उत्तर आ गया। अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या उत्तर आएगा, मैंने देखा √2 एक ही में है तो वो उत्तर आ गया, बात समझ गए कि नहीं सर, प्लीज रिप्लाई। कोमल सिंह क्या चाहती हैं, किस टाइप का कोमल रिप्लाई चाहती हैं? दीपक ए में √3 भी है बाबू, दीपक बेटा ए में √3 भी है बट यहां तो सिर्फ √2 है। देखिए आज मैं बहुत परेशान था, अचानक से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मैंने अपने बच्चे दीपक को कॉल किया और मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं, बट ये समझ गया, इसका मैसेज आया कि सर आप परेशान हो क्या।
माइनस एक्स कैसे आया? अरे भाई आप हलवा हो क्या? मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि अगर ये चार है अगर ये चार है चार ये चार है तो और पूरी सात थी तो बची हुई तीन नहीं होगी। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। सलामी करिए, मीन दीपक दास हेल्पफुल भी है। हमारे साथ एएम जुड़ चुका है जो कि भरोसेमंद आदमी बिल्कुल भी नहीं है और सही आदमी भी नहीं है, बस इतना ही कहूंगा, बाकी समझने वाले समझदार है। अभिषेक आनंद हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, वाट लगी हुई तो मेरा इतना प्यारा बच्चा है, मैं उसकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। वाट लगी हुई, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। रामदेव स्टार में देखिए भैया, कहने होया 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 ये बिल्ले मने हम बोला ये No, ए ए प्लस बी बराबर 152 और बी 162 है, सी ए प्लस बी बराबर 170 है। तो इसने हमसे पूछा है कि भाई बताओ आप देन ए बी सी क्या होगा, ए बी सी हमसे पूछ रहा है क्या होगा, बता सकते हैं क्या होगा एबीसी? सर सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं, तीन को देख नहीं पाता हूं और मैथ कम करूं तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है सी, तरीका बताओ, तरीका तुक्का नहीं चलेगा, तरीका बताओ। सर जी प्लस में, सर एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, यूट्यूब पे फैक्टर करके। देखो फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी को माइनस कर दिया हमने बी सी प्लस बी ए से, और तो ये कितना आ गया 10। तो मैं ये कहूँगा जी बी सी प्लस बी ए, बी ए से बी ए कट गया, यानी कि बी सी माइनस ए स्क्वायर बराबर 10 है, बन रही है ऐसे कुछ बात, ए बाई सी 152/170। अच्छा दो जगह ए प्लस बी है ना, अरे तब तो खेल ही खत्म हो गया, मुझे लगा सारा अलग अलग है, अरे यार तो लल्लू हो गया फिर। बड़ा सिंपल है, मैंने इन दोनों को भाग लगा दिया, ए प्लस बी से ए प्लस बी काट दिया। वैसे मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे भी शायद सी प्लस ए ही होगा, बी प्लस सी होगा यहाँ पे, क्या बोलते हो बताओ? आप में से किसी को सवाल याद है ये? क्योंकि अगर ऐसे होगा तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया, चक्रीय क्रम में होना चाहिए, मुझे भी यही लग रहा है, बी प्लस सी होना चाहिए, एरर है बीच। कोई नहीं, मैं एक बार एक मिनट में वेरीफाई कर रहा हूँ, सिमेट्री में ही होगा, सिमेट्री में ही होगा, अगर होगा तो ए स्क्वायर होगा एक बार, नहीं शायद बीच वाला चेंज होगा, जैसे ये ए ए प्लस बी है तो फिर ये सी होगा, ये सी होगा भाई, ये सी होगा पहले वाला शायद से, क्योंकि ए के साथ सी प्लस बी, बी के साथ सी प्लस ए, सी के साथ ए प्लस बी। बोलो जी कुछ गड़बड़ है या सही है? बराबर नहीं रख सकते, तीन इक्वेशन है भाई, ऐसे मत करो आप, बराबर नहीं रख सकते, हलवा नहीं है कोई कि आप किसी को ही बराबर रख दो। देखो अब ये ए सी मैं बता रहा हूं, एक बार निकाल लेते हैं चेक करके, एक बार कर लो, अच्छा सवाल लग रहा है, एलजेब्रा में अभी तक ऐसा सवाल देखने को नहीं मिला है, मैं खुद इस सवाल को पहली बार कर रहा हूं तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि एक बार देख लो, मजा आ जाएगा। सी ए प्लस सी बी बराबर 170, मैंने इन सबको जोड़ दिया तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये आ गया 2 और 2 4 7 6 13 और 5 18 का हासिल 1। गुप्ता जी पता नहीं कहाँ है हमारे, हम तो गुप्ता जी को
इतना याद कर रहे हैं, 242 आ गया। अगर ये 242 है तो अब आप बताओ कि एक बार तो मैं इसमें से घटाऊंगा, AC और AB का मान पता है मुझे, तो BC कितना आ जाएगा भाई, 242 इसमें से घटेगा तो BC आ जाएगा जी 90। ऐसे ही मैं जब ये निकालूंगा CA, तो CA कितना आ जाएगा, ज्यादा घट रहा है 80। फिर जब मैं ये निकालूंगा AB, तो ये कितना आ जाएगा, 170 घटेगा तो 30 और 42 72। अब जब मैं इन सबको गुणा कर दूं तो आपको भी पता है कि ये ABC का स्क्वायर बनेगा, तो ये 10 का स्क्वायर आएगा, ये तय है, तो ABC 720 वाला उत्तर हो जाएगा। सवाल गलत छप गया था, वाट लगी हुई। मैंने आपका मैसेज पढ़ा और मैं बहुत इमोशनल हो गया, उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था, मैं कॉल करने वाला था आपको। अच्छा सवाल है यार, आई हैव सीन फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम। अरे बस कुछ नहीं, मैंने देखा ना कि बाद में जब मैं AB को गुणा कर रहा हूं तो ये 10 का स्क्वायर आ रहा है, तो जब स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा यानी ABC में 10 जरूर होगा, और ABC में 10 एक ही ऑप्शन में था चाचा, डी में, फिर मैं पूरा नहीं गया इसमें। ये कह रहे हैं कि सर झूठ, सर मैंने ये दो तीन चार बार देख लिया। नहीं, आपने तीन चार बार कौन सा देख लिया, आप गलत जा रहे हैं। आपने तीन चार बार देख लिया, A+B दे रखा है, B+C दे रखा है, सेम सवाल, बट मैंने नहीं देखा, मैं तो करा ही पहली बार है। सेलुलर भी है, ये अलग है। ये बहुत सुंदर सवाल है, XYZ आर पॉजिटिव नंबर्स, ये इसको सेटिस्फाइंग कर रहे हैं, XYZ बताना। दीपक कैसी चल रही है तैयारी, मैंने 17 टेस्ट प्लान किए हैं तुम लोगों के CGL से पहले। गुप्ता जी आप हमें छोड़ के चले गए, आपको याद तक नहीं आई हमारी, बताओ आप। ऐसा नहीं है, मुझे कौरव ने बताया कि गुप्ता जी आजकल किसी और की यादों में डूबे हैं, अब आपकी क्या जरूरत है। देखिए भाई, तीन इक्वेशन दे रखी हैं और तीन ही वेरिएबल दे रखे हैं, ये सेट कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या उत्तर होगा। वाई मुझे जरूर एक लग रहा है, बट नहीं है एक। देखिए इस सवाल को करना ही पड़ेगा, आप इसमें वैल्यू नहीं रख सकते, मेरी बात सुनिए, आप इसमें वैल्यू नहीं रख सकते, मल्टीप्लाई कर दें। कई बच्चे कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर दें, मुझे लगता भी नहीं कि मल्टीप्लाई के बाद भी सही आ जाएगा। देखिए मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि भैया सॉल्व करो, हम तो सीधे समझते हैं कि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, भैया सॉल्व करो, आप वाई का मान निकाल लो, तो आप बोलोगे वाई का मान 1/4 - x हो जाएगा। अगर मैं वाई का मान यहाँ रख दूं 1/4 - x प्लस 1/z का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे ये इधर चला जाएगा -1/x, 7x, -3/3x, और उल्टा कर देंगे इसको, 1/z चाहिए, तो ये 3x/7x - 3 बराबर आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। अब भाई आप चाहो तो LCM ले लो, जो आप चाहो कर सकते हो, आप इसको इधर लेके चले जाओ 1/4 - x को, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं 1 - 3x/7x - 3, तो ये आ जाएगा 4x - 3/7x - 3। इसको इधर ले जाऊं तो 7x - 3 बराबर क्या आ गया, 4 × 16x - 4 = 12, -4x² + 3x, तो 4x². बात करो बात करो, पढ़ाई की तो फुर्सत ही नहीं है तुम्हें, बात करा लो बस तुमसे। भाई साहब दिल कर रहा ना मेरा ऐसा कान के नीचे मैं आपके रख दूं, क्योंकि आपके पढ़ना नहीं है, आपने इधर उधर की बातों में बस दिमाग लगाना है आपने। 16 और 3 19x, 7x में से घटेगा तो 12x + 9 = 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2x - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा सर, 3 × 2 = 6 × 2 = 12, x आ गया 3/2। अब x जैसे ही मुझे 3/2 पता चला, मैं समझ गया कि y 2 है भाई, 3/2 और y 2,
नहीं, दो भी नहीं है भाई, तो ज्यादा है इसका मतलब। वाई का मान था 1/4 - 3/2, तो 4 × 2 = 8 में से 3 के 5, तो ये 2/5 आ गया। अब अगर ये 2/5 है तो जेड कितना होगा भाई? 1/z = 1 - y है, 1 - 2/5 यानी कि 3/5, तो जेड आ गया 5/3, तो सारे आ गए एक्स 3/2 आए। ये किसी एग्जाम में आया है क्या सवाल? क्योंकि सवाल खतरनाक है भाई, एक उत्तर आ रहा है, ये किसी एग्जाम में आया है? थोड़ा सा अलग सवाल है, लेंथी है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। टेस्ला, तुम टेस्ला अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी 500 रुपए डालता हूं। काय बात के गरीब हो तुम, बात बात पे गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो। सीडीएस के एग्जाम में आया है, बताओ ये सवाल। भैया ऐसे सवाल को नहीं आना चाहिए था, मुश्किल सवाल है, आप मानो या ना मानो बाकी आपकी मर्जी, हम तो यही कहेंगे कि मुश्किल सवाल है। ये एम क्या कह रहा है? x+1/x, y+1/y, z+1/z, ऐसे लेकर मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर, नहीं मैक्सिमम, बस ये मैक्सिमम वैल्यू ही में ही रहेंगे। भैया करना पड़ेगा, या तो आप सोच पाओ, आप में इतना दिमाग हो कि आप सोच पाओ, या आप सोच पाओ, 3/2 आपकी हिम्मत होनी चाहिए, सोच पाओ आप। तुक्का मारना है तुक्का मार दो भाई, जैसे आपको ठीक लगता है मार सकते हैं। ये सवाल मैंने कल बता दिया था, अगर आप कल नहीं थे तो आज जान लीजिए कि इस ऐसे सवाल में आप वैल्यू कुछ मत रखो, बस इक्वल कर दो। अगर इक्वल कर दिया तो ये 2 2 2 हो गया, तो एरिया आ गया √3/4, 2 का स्क्वायर कट गया बराबर √3। अब आप किसी में भी देखो कि एक्स वाई जेड डिग्री सेम नहीं है, जबकि मैंने ये कहा कि मैं एक्स वाई जेड का मान कुछ भी रख दू, एरिया √3 ही आएगा, बस बराबर हो। बट यहाँ एक्स वाई जेड के मान पे निर्भर कर रहा है, यहाँ एक्स वाई जेड के मान पे निर्भर कर रहा है, ऊपर 2 डिग्री है, नीचे 3, यानी कि यही उत्तर होगा जहां पे डिग्री 1 होगी। हमारे साथ जग्गा जुड़ चुके हैं। जग्गा, हम आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, सर मेरा डाउट सॉल्व कर दो। यार ये डाउट क्लास है या क्या है ये? सर जी कोलकाता आओ कभी जी, आ जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजाएं 2 सेंटीमीटर हैं, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं लंबवत होती हैं। यार ये क्या सवाल है यार, ये सवाल है मतलब, यार ये दिल छू लेगा भाई सवाल, जो आदमी भी इस सवाल को करेगा ना, कसम बता रहा हूं दिल छू लेगा। दीपक करो बेटा, दीपक करो बेटा करो। कर रहा हूं, करके दिखाओ, कर रहा हूं से मतलब नहीं है, करके दिखाओ, जलील करेंगे बहुत। जग्गा को उत्तर याद है यार, आजकल चाहे तो आप सीडीएस देखो चाहे एसएससी देखो, इस कंसेप्ट पे कुछ आई ज्यादा सवाल रहे, और ये मेंस में भी आया 2017 में। ये कॉन्सेप्ट अगर आज के बाद भी नहीं रटा, आज के बाद भी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रटा, तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा, घर से आके उठा ले जाऊंगा। निधि कश्यप, सर आप दीपक को बहुत मानते हैं। अरे हम तो निधि जी आपको भी बहुत मानते हैं। देखिए ये ए और ये ए और ये दे रखी है 2। अब इनकी जो माध्यिकाएं हैं, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं परपेंडिकुलर है। याद करो मैंने बताया था कि अगर बी से और सी से माध्यिका निकली और परपेंडिकुलर हुई तो 5BC² = AB² + AC² भूल कैसे गए? 5 × 2 = 4 = A² + A² यानी ए कितना आ गया? √10। अब अगर ए √10 है, परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 1 होगा, तो बे ये हाइट कितनी आ गई? 3।
एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया 3। बोलो सवाल कैसा था? निंजा टेक्निक, स्वाहा। मजा आ गया सर, ये सीपीयू में आया यार, सीरियसली सीपीयू में आया, सच बताओ। दैया दैया दैया, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, बाप रे बाप, क्या होगा बच्चों का? ये वाली बात रट लो, देखिए अगर नहीं भी याद तो मैं फिर से रटवा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। एंगल ए एंगल बाइसेक्टर होगा, उससे क्या होगा? मैं दोबारा से रटवा देता हूं कि कोई भी माध्यिकाएं जीवन में, आज पता मैं एक सवाल देख रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल पे भी ऐसा सवाल था यार, कहो तो आपके सामने चिपका दूं। राइट एंगल ट्रायंगल पे एक सवाल मैं आज देख रहा था, बड़ा अच्छा सवाल था यार, वो भी उत्तर भी बड़ा गंदा आ रहा था उसका। देखो मैं ये कह रहा था, जैसे माध्यिका यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, और मान लेते हैं 90 पे कट कर रही है, तो जहां से भी निकलेंगी जैसे ए से और बी से, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 5AB² 5AB² बराबर होता है, 5AB² बराबर होता है BC² प्लस AC² देवान सर मुझे नहीं मानते यार, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, क्यों नहीं मानेंगे आपको यार? आप ऐसी बातें मत करो यार, 5/4 वाला भी लिखा दो। अरे यार इसका बड़ा रहता है नरेंद्र का ना, कि 5/4 वाला भी लिखा दो, फिर अभी बोलेगा वे मना कर रही थी अभी मत लिखाओ, वे फिर मना करने लगती हैं 2 मिनट में। ए और क्या क्या कह रही हैं वे बता दे भाई, वे क्या क्या कह रही हैं? AL² प्लस, ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो मीडियन है, और CM² तो 5/4 AC² आज नरेंद्र ने रोज डे विश ही नहीं किया होगा, आज ये पूरी गुलाब की दुकान उठा के ले गया होगा। क्योंकि आदमी सही नहीं है ये, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए छोटा सा सवाल देख लीजिए, देखिए एबीसी त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई बिंदु हैं, डी बी सी के समांतर है, ए डी और डी बी 2:5 हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज बी डी सी का क्षेत्रफल क्या है? सर मैं बहुत गरीब हूं देवांश, कैसी बातें कहते हैं, मैं बहुत गरीब, कैसे गरीब हो भैया? अभी तुम्हारी एज क्या है? कितनी बार कहा है मैंने, जिंदगी का एक एपिसोड ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम गरीब हो, तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, एक एपिसोड नहीं डिसाइड कर सकता जिंदगी के, 2 या 3 साल या शुरू से लेकर के 15 साल तक ये डिसाइड नहीं कर सकता आप गरीब, अभी तो बहुत वक्त है पुत्र, बहुत आगे जाओगे। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, अंकित कुमार दुबे, और बताओ जी सर क्या हाल है? जी हाल बढ़िया है, आप सुनाओ साहब, पढ़ाई करो और क्या हाल है? जी प्रतीक सिंगल, ए बी सी
ए बी और ए सी भुजाओं डी और ई बिंदु हैं, ए बी पर डी और ए सी पर ई बिंदु है, बी सी के समांतर हैं, ए डी और डी बी 2:5 है, ए बी सी का क्षेत्रफल 98 है। बताओ, अगर ये ए डी हम जानते हैं और ये सिमिलर हो गया ए बी सी के, लल्लू सवाल है साइड का रेशियो कितना है, 2:7 का है, तो हम बोलेंगे एरिया का 4:49 का हो जाएगा। अब 49 की वैल्यू 98 है और नीचे वाला कितना होगा, 45 की पूछ रहा है, 90। सर प्री निकाल दो, निकाल देंगे प्री, फॉर्म भर देंगे तो प्री भी निकल जाएगा सर, ये मैं रख दूंगा बाकी चीजें। एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी एक काम का 25% 12 दिनों में, वे एक साथ काम कर सकते हैं। एक बात बताओ, ये 75% 18 दिनों में पूरा कर रहा है, ये 75% 36 दिनों में पूरा करेगा, तो एलसीएम भी 36 आ गया, ये एक काम कर रहा है, ये 2 12 दिन में 75% काम कर लेंगे। कोई लल्लू सवाल है यार, मैंने 75% ही ले लिया भाई, ये 75% 18 में, वो 75 36 में, खत्म बात। ये सवाल कर देगा कोई बच्चा, ये तो सवाल थोड़ा दिख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको RW में लिख लो जो दिख नहीं रहा। वट बट पड़ंग, बी ऊंचाई की एक मीनार आधार से ए दूरी पर स्थित किसी बिंदु ओ पर कोई कोण अंतरित करती है, इस मीनार के ऊपर एक खंभा लगा दिया जाए तो यह खंभा भी बिंदु ओ पर समान कोण अंतरित करता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या। बी ऊंचाई की एक मीनार आधार से ए दूरी पर स्थित यस आज बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप लोग कहते हैं YouTube चैनल, कह रहे हैं अमित अहलावत जी सर पूरा मैथ्स आपके YouTube चैनल से किया, बताओ, और 45-50 स्कोर कर रहे हैं आप, ऐसे लोगों से तो कुछ सीखते नहीं है। यदि मीनार के ऊपर एक खंबा पोल लगा दिया जाए तो एक खंबा भी बिंदु ओ पर समान कोण अंतरित करेगा, इसने कहा है कि इस मीनार के ऊपर एक कोण अंतरित करती है मीनार, यहाँ पे एक अल्फा कोण अंतरित करती है, तो ये भी कितना कर रहा है जी, अल्फा कोण अंतरित कर रहा है। बी ऊंचाई की एक मीनार के आधार से दूरी, इस मीनार के ऊपर एक खंबा लगा दिया जाए तो खंबा भी बिंदु ओ पर समान कोण, तो खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी, ये ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल तो है सवाल, उतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैं जानता हूं कि टेन अल्फा कितना हो गया, तो आप बोलेंगे बी बाई ए हो गया, तो मैं पूछूं टेन टू अल्फा कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी 2 tan alpha 2 b/a बटे ब्रैकेट में कितना होगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - b² बटे ए स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 2ab/a² - b² 10 alpha आ गया। अब आप ये भी जानते हैं अगर मैं इसको h मान लूं तो 10 2 alpha b + h/a होगा, कितना होगा b + h/a, तो हम a से तो बाद में गुणा कर देंगे, पहले इसमें से b/a घटा देते हैं। अब मुझे h निकालना है, देखिए अब आपको h निकालना है तो ये समझ में भी आ गया कि a² - b² वाला उत्तर होगा, ये दोनों तो होंगे ही नहीं उत्तर, और a से गुणा होगी ये भी समझ में आ गया, तो a की ऑप्शन बचता है ठीक, मतलब फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बचती क्योंकि मैं समझ गया कि माइनस आएगा, दूसरा मैं समझ गया कि a से इधर गुणा होगी, ये मैं a भी समझ गया।
अब मैं ये भी समझ गया माइनस वाला आएगा तो मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा जो आपके वक्त को बचाएगा, इसीलिए टेस्ट लगाए जा रहे हैं, नहीं तो टेस्ट हमारा देने का कोई मतलब नहीं है दोस्त। हम सिर्फ ये इसीलिए आपको टेस्ट करवा रहे हैं ताकि आपको उस अप्रोच तक ले जाएं। सर आप मेरा कमेंट तो नहीं देखते? नहीं देखता एम साहब आपका कमेंट, बताओ क्या करोगे आप? जरूरी है 1000 बच्चों में आपका कमेंट देखना, बहुत वीआईपी हो गए हैं आप, क्या समझते हैं अपने आप को? क्वेश्चन रिलेटेड डाउट था, क्यों डाउट था, करवा नहीं रहा मैं पूरा सवाल? लीलेश्वर मिश्रा, जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोज किसको दिया ये पूछ रहे हैं सब। अरे भैया अब किसको दूंगा आप ही बताइए। चीनी मिलवा दीजिए, थोड़ी मलाई डलवा दीजिए दूध में, बिना मलाई के नहीं पीऊंगा मैं, डालेगा मलाई। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 9 है और इसे 6 बराबर त्रिज खंडों में बांटा गया है, प्रत्येक जीवा से उसके बाहर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो बनी आकृति का क्षेत्रफल बताओ। एक वृत्त की त्रिज्या 9 से 6 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया, प्रत्येक जीवा से उसके बाहर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, बनेगी आकृति का क्षेत्रफल बताओ। साठ साठ पे, 1 60, 2 60, 3 60, 4 60, 5 60। अब इसने कहा है कि प्रत्येक जीवा से उसके बाहर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ये कैसा गंदा सवाल है, बना दिया भाई समबाहु त्रिभुज। अब ये बोल रहा है तो बनी आकृति का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं सारा एरिया तो कवर हो गया इस, अब अगर पता है कोई बच्चा ऐसा करे कि इस एरिया को निकालने पे तुला हुआ है तो वो पागल है। मैं कहता हूं सारा एरिया तो कवर इन ट्राइंगलों ने ही कर लिया और ये इक्वल ट्राइंगल बनेंगे, त्रिज्या 9 है, 9 के ट्राइंगल बनेंगे और 6 अंदर से 12 टोटल बनेंगे, तो 12 गुणा 12 गुणा √3/4, मतलब मैं समझ गया कि पाई नहीं आएगा, तो यही उत्तर है अभी। मैं समझ गया कि पाई नहीं आएगा तो अब मैं क्यों निकालूं, मैं अब इस सवाल को क्यों करूं जब पाई आएगा ही नहीं और सब में पाई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस मैंने देखा चित्र को, समझा और समझते रह गया मैं, ठीक है, मतलब मलाई मुझे नहीं मिली है बस। ठीक है, दीपक दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जैसा लड़का हमने 5 साल पहले देखा था, बड़ा छोटा सा क्यूट सा हुआ करता था, कोई लड़की ऐसे गाल खींच देती तो शर्मा जाता था, बट अब ये उस शर्माने के लिए तैयार है, बट कोई गाल खींच नहीं रहा है, दिक्कत ही। एक ठोस बेलन की त्रिज्या 3.5, ऊंचाई 20 और इसके प्रत्येक सिरे से समान त्रिज्या का एक अर्धगोला निकाला गया है, तो बनी हुई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तैयार रे रामा, चेंज चेंज रे, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक सिरे समान त्रिज्या का एक अर्धगोला निकाला गया, ऐसे अर्धगोला निकाल दिया। देखिए कमल गुप्ता जी कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं किस बच्चे के लिए कमेंट कर रहे हैं कि भाई पगला गया है, बट उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। अनअकैडमी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी भी हूं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे के लिए भी गलत शब्द इस्तेमाल करे तो उसको इमिडिएटली ब्लॉक करो,
क्योंकि हम इन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, हमें इन्हें तहजीब भी सिखानी है कि कैसे बात करनी है एक दूसरे से। कल को ये जॉब में जाएंगे, खाली पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है इनके लिए, जरूरी यह है कि ये तहजीब भी सीखें। अब देखो इसमें क्या क्या हमें निकालना है, तो आप ये बोलोगे जी देखिए इसका आ जाएगा 2 पाई RS, तो आ ही जाएगा। और ये जो अंदर वाले दो गोले हैं इनका एक का कितना होता है 2 पाई R² तो 4 पाई R² ही आ जाएगा। तो देखिए मैं समझ गया कि जब इतनी 2 से और 4 से गुणा हो रही है तो भाई ये कितना होगा 2 पाई × 7/2 × 20 प्लस 4 पाई × 2 × 4 यानी कि 49/4, 4 से 4 कट गया दोस्त, तो 9 लास्ट में आएगा, इधर 0 आ रही है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेंट आंसर। कम नहीं होगा, अरे कौरव पगले हो बेटा तुम, घटेगा, सरफेस बनी है नई, तालियां बजाओ, सरफेस बनी है नई, और सरफेस तो जुड़ेगी, सरफेस जुड़ेगी लल्ला कौरव, तुम्हारे बच्चे हो छोटे छोटे सौरव, हम भी खिलाएं एक आध गौरव। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने आप सबकी तारीफ की, आपने देखी नहीं शायद। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पता नहीं मैंने अच्छा किया ये डिसीजन कि मैंने ये वाली क्लास कैंसिल नहीं की, वरना आज मैंने पूरी दिन में कोई क्लास नहीं की, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्लास करने की। मैंने काफी ट्राई किया, नहीं मैं क्लास करूंगा, नहीं मैं क्लास करूंगा, बट नहीं हो पाई मुझसे क्लास, बट ठीक है मैंने ये वाली क्लास नहीं की कैंसिल, अच्छा हुआ, मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। BC = CQ, तब ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ABC का क्षेत्रफल बराबर DCQ, DCQ देखिए ABC बराबर DCQ, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, DCQ बराबर है BCD और BCD खुद बराबर है ABC के, हटाओ यार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक सम चतुष्फलक जिसके आधार की त्रिज्या, देखिए टेट्राहेड्रन है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कल भी बताया था कि जो टेट्राहेड्रल है वो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है भाई, तो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 × 1² बी ऑप्शन। निधि कश्यप, अरे मैम आप सच में बहुत अच्छी हैं, आपका नाम ही इतना प्यारा है, निधि मतलब संचित निधि, भविष्य निधि, इतनी दुनिया भर की निधि हमने पढ़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता। कितना प्यारा क्वेश्चन है इन मतवाली बातों का, यार आप देख रहे हो कि मैं अपने अनअकैडमी पे जो मेरे बैचेस चल रहे हैं मैं उनकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, आप सोचो, मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि किस क्या हालत है मेरे दिमाग की बहुत, बट मैं आ रहा हूँ सही करके हर हाल में खुद को।
एबीसी बराबर जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर पांच, बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर माइनस एक। अभिषेक आनंद थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, वाकई में थैंक यू। अरे दुख कुछ भी नहीं है, मुझे बताया था एक माइंड में लिक्विड होता है सीरीटोन, वो सूख जाता है बस, और कुछ भी नहीं है यार। ये सवाल सही है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो मैं ये कह रहा हूँ बी प्लस सी अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, माइनस ए आएगा यहाँ पे, प्लस का ए आएगा, तो ये सिक्स ए बटे ए बी सी हो जाएगा, और ए से ए कट जाएगा तो ये सिक्स बटे बी सी होगा। अब और हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है हमें। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, कुछ कॉमन आ रहा है भाई यहाँ से, नहीं। अच्छा बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए ऑप्शन आ गया उत्तर क्या? सभी अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, अरे करवा देंगे, पूरी भी हो जाएगी। आप ऐसा करो इसको इधर ले जाओ यार, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए, आप कॉमन ले लेना, तो ये कितना बचेगा बी माइनस सी, और बी बराबर सी नहीं है, शून्येतर वास्तविक अंक है, तो मैंने बी माइनस सी से बी माइनस सी काट दिया, तो बी प्लस सी बराबर ए आ गया यहाँ से। तो अगर बी प्लस सी बराबर ए है तो ए तो जीरो हो गया, और जीरो से जीरो काट नहीं सकते। नहीं यार ऐसे में वैल्यू नहीं पुट कर सकता अगर सवाल गलत पूछा जा रहा है। तो मैंने ये कहा कि बी प्लस सी ए आ गया, और जब बी प्लस सी ए आ गया तो बी प्लस सी ए का मतलब तो ए जीरो आ गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, या तो फिर बी प्लस सी ए नहीं है ताकि ए जीरो आए, और अगर बी प्लस सी ए नहीं है तो हम बोलेंगे बी माइनस सी से बी माइनस सी नहीं काट सकते, हम बी बराबर सी है, तब बी बराबर सी आ गया, और अगर बी बराबर सी आ गया तब तो बड़ा आसान हो गया फिर सवाल को करना, बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको भी बी स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। तो यहां से अगर आप बी कॉमन लेते हो तो ए प्लस बी बराबर माइनस वन। अब आपको पता है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सी, तो बी सी बराबर कितना आ गया, वन। अच्छा सवाल है छह, मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूँ, वैल्यू की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल बल्कि चार इक्वेशन है, मैं सोच भी नहीं सकता वैल्यू के बारे में, मैं तो नहीं सोच सकता। अब आपके पास कोई तगड़ा मास्टर है जो 3 घंटे सोच के आपको बता दे तो अलग बात है, बट मैं नहीं सोच सकता। नहीं नहीं भाई दिमाग में आना अच्छी बड़ी बात नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर बताता हूँ। मैंने ये किया कि भाई मुझे चाहिए था 5a, और ये जो b प्लस सी जीरो है इसको मैं लिख सकता हूँ a बराबर माइनस बी माइनस सी, तो मैंने इसको भी a लिखा बटे बी सी, मैं समझ गया ए बी सी था, ए से ए कट गया, ये आ गया 6/bc। फिर मैं समझ गया यार मुझे 6/bc निकालना पड़ेगा और कोई चारा मेरे पास नहीं है दोस्त। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस इक्वेशन की तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी है, इस वाली की तो मैंने इन दोनों को इक्वल करा, इक्वल दे ही रखा था मैंने लिखा, और इसके बराबर माइनस वन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। मैं बता दूं कल को ऐसा सवाल भी बन सकता है, ना तो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है ना इन दोनों की, तो मैंने बस यही कहा कि भाई बी स्क्वायर, अच्छा इसकी तो पड़ रही है माइनस एक की जरूरत तो पड़ रही है, कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर लिख लो आप ए बी माइनस ए सी, तो यहां से क्या आ गया बी माइनस सी बी प्लस सी बराबर ए कॉमन ले लिया बी माइनस सी। अब मैंने कहा अगर मैं बी माइनस सी को काट देता हूं तो बी प्लस सी ए के बराबर आ गया, और बी प्लस सी ए के बराबर तो ए तो जीरो आ गया, सवाल ही गलत हो गया, इनको देना भी चाहिए। वैसे इन्होंने नॉन जीरो बोला है, इन्होंने नॉन जीरो बोला है, तो मैं बी प्लस सी को ए नहीं ले सकता था, तो मैंने कहा जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बी माइनस सी कॉमन आएगा और ये बचेगा बी प्लस सी माइनस ए बराबर जीरो। अब या तो ये जीरो होगा जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये जीरो है, तो बी बराबर कितना आ गया सी, बी अगर सी के बराबर आ गया फिर मैंने कहा सवाल ही खत्म हो गया, अगर बी सी के बराबर आ गया तो इसको मैंने लिख लिया बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर माइनस वन, बी मैंने कॉमन लिया तो ए प्लस बी बराबर माइनस वन, आपको पता है ए प्लस बी माइनस सी है, तो माइनस का बी सी बराबर माइनस वन, बी सी कितना आ गया वन, तो बी सी अगर वन आया। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये किस एग्जाम में आया भाई,
चलिए अब आज के लिए इतना ही। मैं कुछ सवाल आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं चला आज कब वक्त हो गया, कब वक्त गुजर गया, आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी, और कल काफी सारी क्लासेस के साथ मैं आ रहा हूँ, बहुत सारी क्लासेस लेकर, अपने सभी प्लस बच्चों के लिए स्पेशल क्लास लेकर। तब तक विदा लेता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। मैं भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू वेरी मच।